नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पंजाब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर गिरफ्तार। पंजाब में आम आदमी पार्टी आपकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय सिंगला स्वास्थ्य विभाग में हर काम और टेंडर के बदले 1% कमीशन मांग रहे हैं। इसकी शिकायत सीएम भगवत मान तक पहुंची थी। उन्होंने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई, अफसरों से पूछताछ की, फिर मंत्री सिंगला को तलब किया गया है। मंत्री ने गलती मान ली, इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद मंत्री के खिलाफ केस दर्ज, पंजाब पुलिस की एंटी करप्शन विंग के सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अब सिंगला की आम आदमी पार्टी से भी छुट्टी करने की तैयारी है। कुतुब मीनार में फैसला सुरक्षित। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस निखिल चोपड़ा के बेंच में हिंदू पक्ष की ओर पूजा के अधिकार वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला 9 जून को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक हफ्ते की ब्रीफ रिपोर्ट जमा करने को कहा। दरअसल हिंदू पक्ष की दलील थी कि 27 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसके अवशेष वहाँ मौजूद हैं, इसलिए वहाँ मंदिरों को दोबारा बनाया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद में नमाज बंद करवा दी है। निलंबित IAS पूजा के करीबियों के घर ED का छापा। झारखंड की वरिष्ठ IAS पूजा सिंगल निलंबित की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही। ED ने पूजा के करीबियों की रांची में 6 जगहों और मुजफ्फरपुर में 6 मारे हैं। रांची में पूजा के करीबी के बेटे विशाल चौधरी के घर काफी कैश मिला। ED ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगाई। पूजा सिंगल करीबी त्रिवेणी चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज अशोक नगर गेट नंबर 6 स्थित घर पर विशाल की मां थी। वहां ED की कार्रवाई की विरोध करने लगी। अफसरों को समझाने पर वे शांत हुई। इधर ED की टीम मुजफ्फरपुर में छापेमारी करने पहुंची। बाइडेन की चीन को चेतावनी। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा है कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। उन्होंने कहा है कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। इस पर चीन ने पलटवार करते हुए कहा, हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें चीन के बड़े अधिकारी ताइवान पर हमले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद बाइडेन का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद के जरिए ताइवान की रक्षा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पंजाब पुलिस। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के किडनैपिंग केस में फंसी पंजाब पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। पंजाब पुलिस ने केस को खारिज करने की मांग की है। पंजाब के मोहाली जिले के SP मनप्रीत सिंह ने यह याचिका दायर की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि किडनैपिंग का केस गलत है। वह केस दर्ज होने के बाद बग्गा को कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने गए थे, जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और तजिंदर बग्गा को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। कोर्ट में पेश होगा सिद्धू का डाइट प्लान। रोड रेज केस में पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू का डाइट प्लान आज कोर्ट में पेश होगा। सोमवार को पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच की गई जिसमें उनका लीवर हाई फैटी निकला। डॉक्टरों के बोर्ड ने उनके लिए लो फैट हाई फाइबर वाली डाइट को सिफारिश की है। सिद्धू की कड़ी सुरक्षा में पटियाला जेल में लाया गया था और जिसके बाद उन्हें उनके ब्लड और यूरिन के टेस्ट किए गए थे, जिसके अलावा उनका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड भी खंगाला गया। 2 महिला गैंगस्टर की 35.6 लाख की संपत्ति जब्त। झांसी में पुलिस और राजस्व विभाग में संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट की आरोपी 2 महिलाओं को 35.46 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। आरोप है कि दोनों ने अपराध करके यह संपत्ति अर्जित की थी। दोनों अवैध शराब के कारोबार में जुड़ी है। एक पर 11 केस तो दूसरी महिला पर 7 केस दर्ज है। उन्हें बहुआ सागर थाना क्षेत्र के कबूतर डेरा तेंडोल की रहने वाली कार्रवाई से पहले क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई। बिजली काट पे खाली कराए जाएंगे थानों के अवैध। गोरखपुर के थानों के अवैध में तबादले के बाद भी अवैध कब्जा जमा। पुलिसकर्मियों से आवास खाली कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। करीब 300 अवैध कब्जाधारी पुलिसकर्मियों को आवास खाली कराए जाने के लिए कई बार नोटिस भी दिया। उन्हें वेतन में आवास किए गए के वसूली के लिए सूची तैयार कर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब थानों के आवासों को खाली कराए जाने के लिए उन आवासों की बिजली काटी जाएगी जिसमें अवैध रूप से कब्जे जमा पुलिसकर्मी और उनके परिवार वाले वर्षों से रह रहे हैं उनके आवासों की बिजली 30 मई तक काटी जाएगी।
एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच ड्रॉ। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मुकाबला एक एक की बराबरी पर खत्म हुआ। मैच के आखिरी 70 सेकंड में पाकिस्तान के अब्दुल राणा ने पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार खेल दिखाते हुए गोल दाग दिया। टीम इंडिया के लिए एकमात्र गोल कार्तिक वेलम ने किया। पहले क्वार्टर में टीम ने 2 पेनल्टी कॉर्नर गंवाए, लेकिन तीसरे पेनल्टी कॉर्नर का फायदा कीर्ति ने उठाया और 9वें मिनट में गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी है। अब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला 24 मई को जापान और 26 मई को इंडोनेशिया में खेलेगी। एक्टर अजय देवगन को अजमेर कंज्यूमर कोर्ट से मिली राहत। अजमेर कंज्यूमर कोर्ट ने फिल्म एक्टर अजय देवगन की दे दे प्यार दे फिल्म के पोस्टर बताया केस और सोमवार को फैसला सुना। दरअसल फिल्म के पोस्टर में दिखाए गए स्टंट सीन की फिल्म में नहीं दिखाया गया। इस पर अजमेर के तरुण अग्रवाल ने 2019 में एक परिवाद दायर किया। आखिर कोर्ट ने फिल्म में स्टंट नहीं दिखाने का जिम्मेदार अजय देवगन को नहीं माना, साथ ही परिवाद से नाम हटाने के आदेश दिए हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।